डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। ये बात कितनी सही है, आइए इस बात का एनालिसिस करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों सर्वे क्या था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों सर्वे थॉमस राइटर्स नाम की एक संस्थान ने किया था, जो कनाडा की एक न्यूज एजेंसी है, उसके अंदर एक नॉन चैरिटेबल संस्था है जिसका नाम है थॉमस राइटर्स फाउंडेशन। थॉमस राइटर्स फाउंडेशन ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री है वुमेन के लिए। दोस्तों थॉमस राइटर्स फाउंडेशन का मुख्य जो टारगेट रहता है वह है जर्नलिज्म, मुख्य रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन थ्रेट्स और क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों ये वाला जो सर्वे था, इन्होंने इसे परसेप्शन बेस्ड सर्वे कहा है। इन्होंने कहा कि ये सर्वे परसेप्शन बेस्ड सर्वे है। परसेप्शन बेस्ड सर्वे में दोस्तों मुख्य रूप से कुछ एक्सपर्ट की राय ली जाती है, उनके आइडियाज़ को लिया जाता है, उनके स्टडी के कुछ रिजल्ट को लिए जाते हैं, उसके बेस पर सर्वे किया जाता है। दोस्तों इस सर्वे में लगभग 524 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 41 लोग भारत के थे, बाकी बाहर के थे। इन्होंने अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट पेश की और इन्होंने थॉमस राइटर्स फाउंडेशन को दी, जिसके आधार पर थॉमस राइटर्स फाउंडेशन ने ये रिजल्ट दिया कि दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री इंडिया है वुमेन के लिए। तो इसी संस्थान ने 2011 में जब रैंकिंग की थी तो उसमें भारत को चौथा स्थान मिला था। 2018 में इन्होंने रैंकिंग की, इस रैंकिंग में 192 देशों को रैंक किया, इसमें से भारत को पहला स्थान, अफगानिस्तान को दूसरा स्थान, सीरिया को तीसरा स्थान, सोमालिया को चौथा स्थान, सऊदी अरबिया को पाँचवा स्थान और पाकिस्तान को छठा स्थान दिया गया। दोस्तों ये परसेप्शन बेस्ड एनालिसिस था। दोस्तों आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये एनालिसिस, ये सर्वे डाटा बेस्ड सर्वे क्यों नहीं था, इस सर्वे में सिर्फ एक्सपर्ट की राय ही क्यों ली गई। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न जो है एक्सपर्ट की राय का को लेना और डाटा को ना लेना, उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न है कि इस देश में आज भी इतने पिछड़े लोग हैं जो जिनके ऊपर अगर प्रताड़ना की जाती है या किसी तरह से क्राइम किया जाता है तो वो आज भी FIR नहीं कर पाते या FIR करने से डरते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारी महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं है जिससे वो फ़ोन करके 100 नंबर डाल कर सकें या 10 नंबर पर फ़ोन करके वुमन क्राइम के बारे में बता सकें। तो मैक्सिमम केस तो ऐसे होते हैं जो FIR जिनकी दर्ज ही नहीं की जाती, तो हम डाटा किस चीज़ के लिए गए। इसलिए डाटा बेस एनालिसिस से अच्छा था कि हम एक्सपर्ट की राय लें और एक्सपर्ट की राय को डाटा मानकर हम रिजल्ट दें। तो ये सर्वे पूरी तरह सही ही है, इस बात को तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ये इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्होंने क्या किस चीज़ को आधार मानकर ये कहा है, क्योंकि ये जो सर्वे है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से सही तो नहीं मानते, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि हमारा देश कहीं ना कहीं अंडर 10 में तो होगा ही। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके कारण हमारा देश डेंजरस अंडर टेन में आ भी सकता है। तो वो जो टॉपिक हैं उसके मुख्य चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिसके कारण हमारा देश अंडर 10 में आ भी सकता है। जैसे कि इस देश में दहेज प्रथा आज भी चलती है, आज भी एक सर्वे के मुताबिक हर साल लगभग 8000 से ज़्यादा महिलाएं दहेज प्रताड़ना के कारण मर जाती हैं। दोस्तों बाल विवाह को भी एक क्राइम माना जा सकता है, क्योंकि ये भी संविधान के दायरे से बाहर है और संविधान के दायरे से बाहर हर एक चीज़ क्राइम है, इसलिए इसे भी हम आधार अगर माने तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी एक प्रॉब्लम भी है। दोस्तों अशिक्षा भी एक प्रॉब्लम है, और एक आपने देखा होगा कि इस देश में सेक्स रेशियो बहुत ही वीक है, इस देश में लगभग एवरेज 114 पुरुषों में 100 ही महिलाएं हैं, तो ये सेक्स रेशियो अफगानिस्तान सीरिया से भी कम है। आपको लग रहा होगा, जानकर हैरानी होगी कि ये रेशियो अफगानिस्तान और सीरिया से भी कम है, तो ये भी एक बुरी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक हैं जो हमारे देश को एक नेगेटिव रैंकिंग देते हैं। हो सकता है हमारा देश सुधरेगा, लेकिन हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। अगर हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह सही भी नहीं मान सकते तो हम इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। दोस्तों इस रिपोर्ट के आने के बाद ही आपने देखा होगा कि तरह तरह की बातें शुरू हो गई कि भाई इस देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने ये रिपोर्ट दिलवाई है, सर्वे करवाया है, या तरह तरह की लोग पॉलिटिक्स इस टॉपिक पे भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हर टॉपिक पर राजनीति करना किस हद तक सही है, इसके बारे में मैं आपसे कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस सर्वे के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।